हेलो एवरीबॉडी, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल एडवेंचर आइस गाइस। आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन। सो दिस इज आयुष गुप्ता। सो अब मैं अपने गांव राजपुर जिला बलिया से मैं जा रहा हूँ मुंबई। मुंबई कुछ दिन के लिए रहूँगा, तो अभी मैं तैयार हो चुका हूँ, रेडी हो चुका हूँ जाने के लिए मुंबई। मुंबई जो महाराष्ट्र का कैपिटल है, राजधानी है। तो अभी का सीन ये है कि मेरी ट्रेन है 9:57 पे, दानापुर एक सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो दानापुर से होके जाएगी मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनल। और ये इसका कॉस्ट मुझे टिकट का पड़ा है 865 रुपया, जो स्लीपर का है, कंफर्म टिकट है, मतलब सोने को मिलेगा, बैठने को आराम से ऐशोआराम करके जाएंगे। तो घर पे खाना बन चुका है, पूरी और भुजिया, और वही पैकिंग करा के लेके जाएंगे क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर है, गर्मी का सीज़न है, तो खाना ख़राब हो जाएगा, तो कम ही लेकर जाएंगे। तो अभी का सीन ये है कि मैं आपको दिखाता हूँ मेरे साथ क्या क्या पैकिंग हुआ है और क्या क्या मैं लेकर जा रहा हूँ। दिखाता हूँ मेरे साथ पास बहुत सारा सामान है, तो सामान दिखाता हूँ क्या क्या है मेरे पास। तो देखिए आपको दिखाता हूँ। सो दर्शकों, एक ये बड़ा ट्रॉली का बैग है जो पूरा फुल हो चुका है, जो आप देख रहे हैं, ये ट्रॉली बैग है जो पूरा फुल हो चुका है। ऐसा है कुछ ट्रॉली बैग, ये पूरा का पूरा मतलब लगेज वाला है, ये निकलता भी है, ये ऐसा चलता है। तो ये ट्रॉली बैग ये फुल हो गया है, एक ये लेके जाएंगे, और ये पीठ का बैग पूरा फुल हो चुका है, और एक नया बैग मैंने खरीदा था ट्रैवलिंग के लिए। तो ये बैग, तीनों बैग फुल हो चुका है, मतलब 1, 2 और 3, मतलब हम अकेले 3 बैग लेकर जाएंगे। तो देखते हैं कैसा सफ़र होता है। लगता है सफ़र बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड होगा और बहुत ही पेनफुल होगा, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है तो पेनफुल होगा ही होगा। और लेट्स सी व्हाट विल बी हैपन इन ट्रेन एंड व्हाट विल बी देयर इन मुंबई। तो देखते हैं, और आई होप एवरीथिंग विल बी गुड। तो अभी का सीन ये है कि निकलने वाले है, और ऐसा है मैं कुछ घर देख सकते हैं, कलर किया हुआ नहीं है अभी, बहुत ही पुराना घर है हमारा। तो अभी देख रहे हैं ये घर पर कुछ स्टोव कुछ ऐसा लगा है, और ऐसा है कलर घर मेरा, नाइट में अच्छा दिखता है, और वहाँ पे बुक मोबाइल रखा है सब। तो अभी इस घर मेसी सा वो हुआ है क्योंकि घर कोई रहता नहीं है, और ये घर के बाहर का विंडो है कुछ ऐसा दिखता है, बाहर का घर दिखता है ऐसा, ये ऐसा है घर के बाहर का मेरा। दूसरा घर है ये जो बरामदा दिख रही है अपना ही है। तो चले चलते हैं और आपको दिखाते हैं, और ये रहा शीशा के अंदर मैं ऐसा दिख रहा हूँ। तो चले चलते हैं मुंबई, लेट्स सी। तो दर्शकों, फाइनली अपने घर को बाय बोलते हैं, और ये मेरा पीछे घर है, ये वाला घर है। तो चलते हैं मुंबई, तभी अपने घर को बाय बोलते हैं। तो बाय बाय टीटा। तो दर्शकों, घर को बाबा बोल दिया है, और अब चलते हैं बलिया। बलिया जाएंगे, बाइक से भी जा रहे हैं। तो बलिया जाने के बाद बक्सर जाएंगे टैक्सी पकड़ के, फिर बक्सर से जाएंगे हम डायरेक्ट मुंबई खुला लोकमान्य तिलक टर्मिनल। अभी हम अपने बाइक से जा रहे हैं, तो मेरा भाई, छोटा भाई छोड़ने के लिए जा रहा है मुझे चट्टी पर, अपने गाँव के रास्ते चट्टी पर। तो दिखाते हैं आपको, मेरा छोटा भाई गाड़ी चला रहा है, एक बार दिखाओ इधर। और इधर कुछ गन्ना का दुकान गया अभी, अभी ये जो देख रहे हैं हमारे गांव का दुकान है राजपुर का, जो भी लग रहा है लगा नहीं है। ये कुछ हमारे गांव का बाजार है, आराम से लेके वहाँ तभी चल रहे हैं। तो गाइस, फाइनली मैं आ गए अपने चट्टी पे। दर्शकों, मैंने ऑटो पकड़ लिया है जो बलिया से, जो राजपुर मेरे गांव से लेकर जाएगी बलिया स्टेशन, और बलिया स्टेशन से पहले भी उतार देगी महुआ मोड़, उतार देगी। तो फिर मैं महुआ मोड़ से इसे पकड़ के जाऊंगा मालदेवपुर, जहां बक्सर का टैक्सी स्टैंड है। तो मैं अभी ऑटो में बैठ चुका हूं, और ऑटो का किराया मात्र 30 रुपीज़ है, और 30 रुपीज़ देने के बाद मैं जाऊंगा डायरेक्ट। ये देख रहे हैं जो ये रास्ता दिख रहा है, बहुत ही प्यारा रास्ता है, ये हमारे गाँव से बलिया जाता है, बणसरी गाँव के आसपास का है गाइस ये हमारा रास्ता।
और देख रहे हो यहाँ पे एक दूध का डेयरी है, दूध की डेयरी के लिए बहुत सारे ट्रक खड़े थे दूध लेने के लिए, और थोड़ी देर बाद यहाँ पे कार वॉशिंग का भी है कार धोने के लिए। और ये देख रहे कितना मतलब दोपहर का टाइम हो रहा था, पूरा का पूरा रास्ता जो एकदम खाली था, खाली था, कोई रोड पे नहीं था, मतलब एकदम हमारे गर्मी का मौसम चल रहा है ना, इसके लिए सब धूप में बच रहे हैं और लू से बच रहे हैं। तो गाइस धूप से और लू से बचने के लिए आम का जूस पिए और बहुत ही धूप में ना निकले, बहुत ही इमरजेंसी हो तो ही निकले। और देख रहे हैं रोड पे एकदम मतलब एक आध दो लोग दिख रहे हैं रोड, बाकी पूरी की पूरी रोड खाली है। और मैं जा रहा था इतनी धूप इतनी चिड़चिड़ा थी धूप में, मैं जा रहा था बलिया और बलिया से मैं जाऊँगा बक्सर ट्रेन पकड़ने के लिए, मेरी ट्रेन है, चले चलते हैं बक्सर। तो दर्शकों अभी ऑटो में फ्यूल लेने के लिए हम लोग स्टैंड फ्यूल स्टेशन पे खड़े हैं, मतलब पेट्रोल पंप पे। अभी यहाँ पे फ्यूल लिया जाएगा, ये ड्राइवर कुछ फ्यूल ले रहा है देख लीजिए। अभी फिर अभी ये अंकल फ्यूल भर रहे हैं ऑटो में, तो इसके बाद हम लोग चलेंगे रेलवे स्टेशन बलिया, ऐसा है कुछ। और आगे सामने का ICICI बैंक का कुछ ब्रांच है, बैंक है, और शायद ATM भी है। और इधर एक बस है जो ऑटो ले जो भी जो फ्यूल ले रही है। और ये इंडियन ऑयल का गाइस, इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। और इधर फ्यूल हो गया, ड्राइवर ने फ्यूल भरवा लिया, और हम चलते हैं बलिया, बलिया से टैक्सी लेंगे, फिर बलिया से चलेंगे हम बक्सर। तो दर्शकों ऑटो वाले ने मुझे महुआ मोड़ उतार दिया था, तब महुआ मोड़ उतारने के बाद मैंने एक ई रिक्शा पकड़ लिया जो इलेक्ट्रिक है, तो बहुत ही अच्छी होती है। मुझे ये छोड़ेगी मालदेवपुर बक्स टैक्सी स्टैंड पे, और इसमें मात्र हमसे लिया 10 रुपये छोड़ने के लिए। और 10 रुपये लेने के बाद में ये देख रहे हो ये सब एरिया पड़ता है बलिया का, बलिया सिटी है, ये बलिया सिटी बहुत ही प्यारा है। और आप जा सकते हैं डायरेक्ट ये बलिया मालदेवपुर रोड जाएंगे तो इसी रोड का है ये, जो बलिया से ये रासड़ा वाला रोड पे पड़ता है, इसी रोड में हम जा रहे हैं गाइस बक्सर स्टैंड पे हम टैक्सी पकड़ने के लिए। तो अभी बहुत ही प्यारा रास्ता था, दोपहर तक बहुत सारी रोड खाली थी और बहुत कम पब्लिक चल रहे थे, एक गिने चुने लोग जा रहे थे इस रोड पे। और ये बहेरी के आसपास शायद पड़ता है, बहेरी के आसपास रहता है गाइस। सो फ्रेंड्स एक और टैक्सी पकड़ लिया है बलिया से बक्सर जाने के लिए, तो अब मैं फाइनली जा रहा हूँ बलिया से बक्सर। अभी मैं पीछे कुछ दिन पहले एक मतलब ई रिक्शा लेकर आया, इलेक्ट्रिक रिक्शा, जो बलिया से मुझे ये मालदेवपुर स्टैंड पे छोड़ा है। मैं अब जाने वाला हूँ मालदेवपुर स्टैंड से बलिया से, मैं जाने वाला हूँ बक्सर स्टेशन। बक्सर स्टेशन से शाम को मेरी 7:45 मेरी ट्रेन है दानापुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस, उसके बाद मैं ट्रेन पकड़ डायरेक्ट LTT जाऊँगा। अभी का सीन ये है कि अभी मैं देख रहे हैं टैक्सी पूरी खाली है, तो ये देख लीजिए ये टैक्सी कुछ ऐसी है, टैक्सी पूरी खाली है, तो टैक्सी से मैं जा रहा हूँ बक्सर स्टेशन। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहाँ का ब्लॉग और कीप्टिन वीडियो, तो लेट्स सी। तो दर्शकों मैंने टैक्सी पकड़ लिया है, इस टैक्सी ने मुझे 120 रुपये चार्ज किया है, जो मुझे बलिया मालदेवपुर से मुझे बक्सर रेलवे स्टेशन तक छोड़ेगी, रेलवे स्टेशन तक एकदम मतलब बक्सर के स्टेशन के सामने ही छोड़ेगी मुझे, जिसने मुझे 120 रुपये चार्ज किया है। बहुत ही टैक्सी अच्छी थी, टैक्सी के अंदर से लग्जरी मतलब बैठने वाले जो गद्दे थे एकदम मतलब लग्जरी कम्फर्ट वाले थे गाइस। और ये रास्ता जो था एकदम खाली खाली था, क्योंकि दोपहर टाइम था, शाम होने वाला था गाइस, मतलब शाम के 2:30 या 3 बजे थे इसके लिए। और मैं आराम से मस्त बैठा हुआ था, और पैसेंजर्स बहुत कम लिया था क्योंकि चार्ज बहुत ज़्यादा लिया था, 120 रुपये दिया था। और हमारे इस रास्ते से बक्सर मालदेवपुर से बक्सर स्टेशन पड़ता है मिनिमम टू मिनिमम 50 या 56 या 60 किलोमीटर, मैक्सिमम पड़ता है ये किलोमीटर की दूरी मतलब मीटर पे। और ये रास्ता बहुत ही क्लीन था, और एक रास्ता मेन रोड जाता है जो वाइज अगर आप बलिया से जाओगे बक्सर तो मेन रोड से भी जाते हैं, लेकिन उसी मेन रोड से पहले आप जैसे ही जाओगे मालदेवपुर से आगे तो एक शॉर्टकट पड़ता है, जो शॉर्टकट डायरेक्ट मुझे आपको मतलब बहरिया होते हुए बहरिया गांव कुछ पड़ता है, जो डायरेक्ट उसी रास्ते से आप जा सकते हैं बक्सर स्टेशन। ये टैक्सी वाले ने मुझे उसी शॉर्टकट से लेकर गए कि जितने जल्दी जाना था हमें, क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा था और सब लोग जितने भी पैसेंजर थे सबको जल्दी जाने की जरूरत थी,
उसके लिए सब लोग जा रहे थे। यही वो शॉर्टकट है गाइस, सीएम शॉर्टकट से जा रहे हैं बक्सर। इस शॉर्टकट मतलब बहुत ही प्यारा नया हाईवे बना था और इस रोड पे बहुत ही कम ही व्हीकल चल रही थी, मतलब विलेज में आपको व्हीकल दिखेंगे और बहुत ही अच्छी टर्निंग थी गाइस। मतलब टर्निंग देख रहे हो और रास्ता देख रहे हो कितना प्यारा है गाइस। शाम रास्ते में पुल पड़ रहा था, झरने पड़ रहे थे, अच्छे अच्छे बीज झाड़ पेड़ पौधे मतलब बहुत ही अच्छा पड़ रहा था। खेत गृहस्थी मतलब लोग खेती गृहस्थी करते हुए दिख रहे थे और खेत खलिहान दिख रहा था रास्ते में। तो हम मजे रास्ते का मजे लेते हुए पहुँच रहे थे डायरेक्ट बक्सर स्टेशन। और इसी रास्ते में आप जाओगे तो रास्ते में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे हरियाली। और ये देख रहे हैं रोड के सामने से डिवाइडर बना था कि कोई गाड़ी क्रॉस करते हुए मतलब गड्ढे बना चले जाए। और ये गाड़ी का चाल बहुत ही स्लो चला रहे थे क्योंकि ड्राइवर बहुत ही पुराना था, 50-60 साल का बुड्ढा था, तो बहुत ही गाड़ी स्लो चला रहा था। और मैं भी कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि मुझे टाइम गाड़ी में ट्रेन में टाइम बहुत ही ज़्यादा था क्योंकि ट्रेन की 7:55 की थी और मुझे कोई टेंशन नहीं था क्योंकि 2-2.5 बजे थे, मेरे पास 5 से 6 घंटे थे, इसके लिए कुछ नहीं बोला था। और ड्राइवर पूरे मज़े ले कर चला रहा था, मैं भी आराम से बैठा हुआ था, कोई मुझे कोई टेंशन नहीं था कि गाड़ी फास्ट चलाए स्लो चलाए। मैं स्लो चला स्लो ही चलाए क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा था और मैं आराम से सीट बैठा हुआ था। आगे बैठ के सारा वीडियो बना रहा था, ब्लॉग बना रहा था और सारे ब्लॉग मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कुछ मंदिर पड़ा है हनुमान जी का, तो मैंने प्रणाम किया रास्ते में। और इसी रास्ते से आप जैसे जैसे आगे जाओगे तो बक्सर की ओर बढ़ते जाओगे और रास्ते में बहुत सारे ऐसे गाँव दिखेंगे गाइस जो बक्सर के गाँव बिहार पड़ता है गाइस। तो एक मैं बात आपको बता दूँ गाइस, बक्सर इंडिया बक्सर यूपी नहीं है गाइस, बक्सर बिहार है, बिहार स्टेट है, बिहार स्टेट का एक सिटी है, अच्छा सिटी है। तो बक्सर स्टेशन जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ से बहुत सारी ट्रेन है जो आपको लेके जाएगी साउथ में, दिल्ली, पूरे इंडिया के लिए ट्रेन मिलती है बक्सर स्टेशन के लिए, तो इसके लिए हम लोग बक्सर जाते हैं। तो गाइस मैं एक रीज़न बता दूँ मैं आपको कि बलिया से मैंने ट्रेन इसके लिए नहीं लिया क्योंकि बलिया से कन्फर्म सीट नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए मैंने बक्सर से ट्रेन टिकट बुक कराई थी तो डायरेक्ट मुझे कन्फर्म मिल गया, इसके लिए मैं जा रहा था बक्सर। और इस रास्ते में बहुत सारे आपको ट्रेलर दिखने को मिलेंगे, कंटेनर गाड़ी जो अपना माल गिट्टी मट्टी लाद के ले जा रहे थे अपने पहुंचने वाले जगह पे। और इसी रास्ते से बहुत ही रास्ता सुनसान था, तो बीच गांव होते होते गांव को पार करते हुए हम डायरेक्ट पहुंच गए बक्सर। अभी पहुंचने में थोड़ी टाइम थी तो हमने बैठ के रास्ते में थोड़ा बहुत 2-4 केले खाए, केले मैंने लिए थे 2 दर्जन, रास्ते में केले भी खाए, मैंने केलों को सूट नहीं किया। लेकिन इस रास्ते में आप जैसे जैसे जाओगे तो बहुत ही मतलब गांव वाला फील आएंगे क्योंकि ये गांव से बीच का रोड है गाइस जो डायरेक्ट बक्सर स्टेशन पे छोड़ेगी। और एक गाइस कुछ ओवरब्रिज आ गया बक्सर का, जो बक्सर आप जैसे सिटी में जाओगे स्टेशन के पास तो एक ओवरब्रिज आता है जो एक नदी है, नदी का नाम था ब्रह्मपुत्र या नदी का नाम गेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आपको अगर पता हो तो कमेंट करके बता दें कि नदी का नाम क्या है। और इसी नदी को पार करते करते हम पहुँच गए बक्सर स्टेशन। पहुँचने में अभी थोड़ी देर थी तो रास्ते से आप जाओगे तो एक तरफ से ट्रक जाने का ट्रक बस बड़ी जो हैवी व्हीकल होती है उनके जाने के लिए है और इस रास्ते से छोटे छोटे जो व्हीकल होते हैं फोर व्हीलर बाइक साइकिल ई रिक्शा इलेक्ट्रिक रिक्शा ऑटो फोर व्हीलर तो इस रास्ते से जा सकते हैं। बाकी जो बगल का रास्ता था उस हाईवे से उस रोड से आप बड़े हैवी व्हीकल होते हैं वो जा सकते हैं। तो इसी रास्ते से बहुत बड़ा पुल था, पुल पार करते करते मतलब हमारे आईजीएस की ये 2-3 या 4 किलोमीटर था तो लंबा था। और ई रिक्शा रास्ते में जा रही थी, बहुत ही कम कारें दिख रही थी, बहुत गिने चुने कार और गिने चुने लोग दिख रहे थे, पता नहीं क्यों क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा हैवी मतलब धूप हुई थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब लू चल रहा था, लू की तपेड़ी चल रहा था, इसके लिए लोग बहुत कम चल रहे थे और गिने चुने लोग दिख रहे थे। हम भी मजे लेते हुए पहुँचने वाले थे। अब यहाँ से बक्सर कम से कम गाइज है 4 से 5 किलोमीटर है पुल से, आपको अगर पता हो तो बता दो कमेंट करके कितना पुल है यहाँ से। मैं बीच में बैठा था तो ड्राइवर को मतलब थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मैं वीडियो बना रहा था तो मतलब संकोच कर रहा था, मतलब ये हेजिटेशन कर रहा था कि क्यों बना रहे वीडियो। अब ये गाइस बक्सर का पुलिस चौकी पड़ गया, पुलिस चौकी से गाड़ी को थोड़ा चेक किया जाएगा और गाड़ी डॉक्यूमेंट दिखा के हम बढ़ते चले आगे बढ़ते चले। जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे तो आपको एक तो गाइस थोड़ी देर बाद बक्सर स्टेशन पहुंचने वाले हैं हम लोग बक्सर स्टेशन। और ये रास्ते में देख रहे हैं बहुत सारे ट्रक खड़ी है जो माल लाद के जा रही थी अपने दूसरे गंतव्य जगह पे। और रास्ते में बहुत सारे ट्रक दिखेंगे आपको और रास्ते में ये ओवरब्रिज पड़ता है जो ऊपर वाला ओवरब्रिज देख रहे हो उस गाइस उस ओवरब्रिज से मतलब उस वाले रास्ते से हाईवे से बड़ी बड़ी गाड़ी आ सकती है, मतलब ट्रक बस और हैवी कंटेनर या ट्रेलर गाड़ी आ सकती है, छोटी गाड़ी नहीं आ सकती है। तो आप गाइस देख रहे हो अब थोड़ी देर बाद हम बक्सर के ग्लैमर तक पहुँच जाएंगे, गुम्बलर तक
गैम्बलर या गुम्बलर बोलते हैं गाइस उसको। तो इसके बाद आता है बक्सर स्टेशन, और ये देख रहे हो भैया चाचा ने कितना लादा है अपने बाइक पे, अपने मतलब छोटी सी बाइक पे। सो फ्रेंड्स अभी इसी टैक्सी से आया मैं, इसी टैक्सी से आया मैं बलिया से बक्सर। तो भाई इसी टैक्सी से मैं आया बलिया से बक्सर। तो आप जो पीछे देख रहे हैं टैक्सी, इसी टैक्सी से आया था। ये कुछ टैक्सी स्टैंड है बक्सर का, आप देख रहे हैं ये बक्सर का कुछ टैक्सी स्टैंड है। और ये रेलवे स्टेशन सामने बक्सर लिखा हुआ है, बलिया का रेलवे स्टेशन है, ये बक्सर का रेलवे स्टेशन है गाइज। और कुछ ऐसा टैक्सी स्टेशन है, ये टैक्सी स्टैंड है, देख रहे बहुत सारी टैक्सियाँ खड़ी है, चलिए चलते हैं। तो दर्शकों आपको बताता हूँ मैं, मेरा टोटल खर्चा भी कितना हुआ है। तो घर से मैं जब बलिया आया तो बलिया 30 रुपया देकर आया, फिर 30 रुपया दस देने के बाद बलिया स्टेशन से मैं मालदेपुर टेम्पो ऑटो स्टैंड आया, जो दिया मैंने 10 रुपया, 30 10 40 और 60 का केला लिया मैंने 2 दर्जन, तो 60 40 100 हो गया। और उसके बाद 100 ये हो गया, और मैंने अभी जो पीछे आप टैक्सी देख रहे हैं इसी टैक्सी से मैं आया, तो 120 वो दिया, 100 और 120 220 हो गया, 220। और मेरा ट्रेन का टिकट है 865 रुपया, तो 865 और 20 हो जाएगा 885, मतलब 900 और 200, तो मतलब 900 200 हो जाएगा 1100। तो मेरा टोटल खर्चा हुआ है मतलब मेरे घर बलिया से मेरे गांव राजपुर से मुंबई तक आने तक का मेरा खर्चा हुआ अभी तक हुआ 1100। और बाकी अपडेट देता रहूँगा कितना होगा रास्ते में, खाने का पीने का पानी का हर चीज़ लेना पड़ेगा, हर चीज़ एक्सपेंसिव है ट्रेन में। तो जो ट्रेन का टिकट है मेरा वो सुपर फास्ट का है, और स्लीपर में कंफर्म टिकट है, तो सोने वोने को मिलेगा पूरा। और आप ये जो पीछे देख रहे हैं गाइस, ये सब टैक्सी स्टैंड है, ये जो पीछे टैक्सी देख रही है इसी टैक्सी से मैं अभी आया, तो इसको मैंने पे किया 120 रुपया। अब चलते हैं बाहर ट्रेन के लिए, ट्रेन स्टेशन पर मैं आ गया हूँ बक्सर स्टेशन पर। सो दर्शकों ये जो आप देख रहे हैं ये बक्सर का रेलवे स्टेशन पड़ता है, ये बक्सर रेलवे स्टेशन के सामने कुछ ये बाबा मंदिर है कुछ ऐसा, और ये बक्सर का रेलवे स्टेशन है। अभी बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं है, नॉर्मल क्राउड है, अभी धूप है ना इसके लिए। तो ये सामने से कुछ ऐसा पुलिस स्टेशन मतलब पुलिस का रेलवे ओवर ब्रिज है ऊपर, और कुछ ऐसा बाहर लगाया गया है बोर्ड और ई रिक्शा और टैक्सी की बाहर बहुत ही ज़्यादा भरमार पड़ी है, बहुत सारे लोग मतलब आपको टैक्सी के लिए पूछेंगे बाहर निकलेंगे तो। और इधर नो पार्किंग का लगाया गया है, कुछ लोग बैठ के वेट कर रहे हैं, और मैं इधर ही मतलब आया हूँ ट्रेन पकड़ने के लिए। और आ गए हम बक्सर, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसको हिट करो, कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।